पेटीएम पेमेंट्स बैंक के चेयरमैन पद से विजय शेखर शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है, जो पेटीएम के लिए एक बड़ा झटका है। हाल ही में सरकार की ओर से आरबीआई ने यह फैसला लिया था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सर्विसेज 15 मार्च तक ही रहेंगी। ये डेडलाइन 29 फरवरी से 15 मार्च तक बढ़ाई गई थी, जिसके बाद विजय शेखर शर्मा ने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। आरबीआई का पेटीएम पर यह शिकंजा कई कारणों से रहा था, जिसमें ग्राहक की पहचान और बाकी चीजों को लेकर चिंता जताई गई थी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पेटीएम से कुछ मायनों में दूरी होना भी इसमें शामिल था। अब पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ विजय शेखर शर्मा के इस्तीफे के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अपने निदेशक मंडल का दोबारा गठन करने का फैसला किया है। रेगुलेटरी फंडिंग में पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने बताया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन श्रीनिवासन श्रीधर के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अशोक कुमार गर्ग को बोर्ड में शामिल किया है। इसके साथ साथ दो सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर्स को भी इस बोर्ड में जगह मिली है। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि पेटीएम ने यह फैसला कंपनी में आई मुसीबतों को थोड़ा कम करने के लिए लिया है। हालांकि आरबीआई ने स्पष्ट रूप से बोर्ड के पुनर्निर्माण को अनिवार्य नहीं किया है, लेकिन यह अनुमान लगाया गया है कि इस कदम का उद्देश्य नियमों का पालन करने के लिए और पेटीएम की इमेज को ठीक करने के लिए लिया गया है। लेकिन पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने इस्तीफा क्यों दिया और कंपनी का आगे का प्लान क्या है, बताते हैं हम आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। विजय शेखर शर्मा पेटीएम पेमेंट्स बैंक में 51% शेयर्स के हिस्सेदार हैं, जबकि 197 कम्युनिकेशन, जिसे फॉर्मली पेटीएम कहा जाता है, बाकी की साझेदारी का हिस्सेदार है। ऐसा माना जा रहा है कि ये कदम पेटीएम और पेटीएम पेमेंट्स बैंक को दो अलग स्वतंत्र कंपनी बनाने के तौर पर है। सरकार के फैसले के बाद हालांकि पेटीएम के शेयर्स में लगातार गिरावट देखने को मिली थी, जिसमें बीच में कभी ना कभी सुधार आया था, लेकिन इसमें और सुधार लाने के लिए पेटीएम लगातार संघर्ष कर ही रहा है। नया बनाया गया बोर्ड पेटीएम की मुसीबतों से निकालने के लिए सोच सकता है। वहीं 15 मार्च को खत्म हो रही डेडलाइन और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के हित में भी कोई ना कोई फैसला शायद ले लिया जा सके। 15 मार्च के बाद सेवा को जारी रखने के लिए नया बोर्ड बैंक के साथ लिंक करना होगा, जिसके लिए अभी पेटीएम इसके लिए 4-5 बैंकों से संपर्क में भी है। बैंकों से संपर्क करने के इसी सिलसिले में पेटीएम ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन को रिक्वेस्ट भी दायर की थी, जिसमें पेटीएम ने यह प्रस्ताव रखा था कि वो थर्ड पार्टी के तौर पर 4-5 बैंकों के साथ मिलकर UPI सर्विसेज देना चाहेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेटीएम HDFC बैंक, येस बैंक, SBI बैंक और एक्सिस बैंक के साथ मिलकर UPI सर्विसेज को लेकर पार्टनरशिप फिलहाल कर सकता है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर।